प्रभु के आगमन का पहला सप्ताह। दोस्तों, पवित्र कलीसिया आज हमारे पूजन धर्म विधि के नए वर्ष में प्रवेश करती है। आगमन काल के इस पहले सप्ताह की आगाज हम एक नई आशा, उमंग एवं उल्लास के साथ करते हैं, क्योंकि प्रभु का आगमन का समय हम सभी ख्रिस्तियों के लिए एक विशेष आत्मिक तैयारी का समय है। आइए आज हम प्रत्येक जन अपने आप से एक सवाल करें कि क्या हर एक साल की भांति इस वर्ष भी हमारा ध्यान क्या केवल त्योहार के चमक धमक, नाच गान, खान पान तक ही सीमित होता रहा है? अगर ऐसी बात है तो हम इस बार के ख्रिस्त जन्मोत्सव को आत्मिक रूप से सार्थक बना सकते हैं। आने वाले दिनों में हम अपने आप को आध्यात्मिक गहराई से ईश्वर के करीब लाकर इस आगमन काल का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। यह आगमन काल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम हमारी कलीसिया के इतिहास को खोलकर देखेंगे तो बाइबल में हम पाएंगे कि कैसे यहूदी जनता, जिस मुक्ति दाता की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसने उन्हें मिस्र देश की गुलामी से मुक्ति दिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की घोषणा की थी, वही यहूदी जनता जब वापस पवित्र नगर यरूशलेम पहुंचती है तो पाती है कि यरूशलेम का पवित्र मंदिर, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, वह मंदिर अब मिट्टी में मिलकर बंजर बन चुकी थी। नबी इसायस हमें आज के पहले पाठ में बताते हैं कि वे प्रभु ईश्वर को, जिसने उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, वे उस ईश्वर को भूल चुके थे। उनका जीवन एक सूखे पत्ते की तरह सूख चुका था। क्या आज हमारे हृदयों का भी यही हाल हो गया है? क्या हमारा जीवन भी सूखे पत्तों की तरह सूख गए हैं? क्या हम अपने पापों के द्वारा ख्रिस्त को त्याग कर अपने हृदय रूपी मंदिर को, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त का निवास स्थान है, उसे पापों का निवास स्थान बना दिया है? दोस्तों, आई हम निराश ना हो। माता कलीसिया आगमन का यह विशेष समय हम सबों को प्रदान करती है, और माता कलीसिया चाहती है कि इस विशेष समय का सदुपयोग करके हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त के संपूर्ण जीवन के सहभागी बन सकते हैं। आज के सुसमाचार के सुंदर दृष्टांत से हमें यह ज्ञात होता है कि कैसे एक मनुष्य अपने घर का सारा कामकाज अपने नौकरों को सौंपकर विदेश चला जाता है, और वह अपने नौकरों को सचेत करता है कि जब वह वहां से वापस आए तो उन्हें अपने काम करते हुए पाए। यहां खास बात यह थी कि मालिक उन्हें नहीं बताता है कि वह कब वापस लौटेगा, इसलिए वह उन्हें हमेशा तैयार रहने या जागते रहने की चेतावनी देता है। और प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, यही है आगमन की आत्मिक और आध्यात्मिक तैयारी। हमें आत्मिक रूप से जागते रहने की आवश्यकता है। हमें हमेशा जागते हुए हमारे प्रभु को हमारे हृदय में स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। हम आने वाले 4 सप्ताह पवित्र वचनों को पढ़कर या सुनकर यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। हमें उस द्वारपाल की भांति हमेशा जागते रहने की आवश्यकता है, जो हमेशा अपने मालिक के आगमन की प्रतीक्षा करता है,
प्रभु ईश्वर ने हमें अपने अपने हृदयों का द्वारपाल बनाया है ताकि उसके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूर्ण रूप से जागृत होकर कर सके। जिस प्रकार हम किसी महान व्यक्ति के स्वागत के लिए अपने घरों के दीवालों को, आंगन एवं आसपास की जगहों को सुंदर सजावट करते हैं, वैसे ही हम भी अपने प्रभु को अपने अपने हृदय में स्वागत करने के लिए अपने हृदय द्वार को सुंदर और मजबूत बनाएं और प्रभु के आगमन का इंतजार करें। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर हम सबों को अपनी आशीष प्रदान करें। आमीन।